नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। शारदीय नवरात्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में लखनऊ के मंदिरों में जाकर हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने भी जायजा लिया। आइए आपको लेकर चलते हैं राजधानी लखनऊ के चौक स्थित प्रसिद्ध 2500 साल पुराने मठ श्री बड़ी काली जी के मंदिर में, जहाँ का जायजा हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने लिया। मंदिर ट्रस्ट के महंत विवेकानंद गिरी ने माता के मंदिर में आए सभी भक्तों का स्वागत करते हुए कहा कि नवरात्र के पहले ही दिन दर्शन करने वाले भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। शारदीय नवरात्र का आगमन हो चुका है और माता दुर्गा अपने अपने मंदिरों में उस तरीके से विराजमान हो चुकी हैं। हिंदू आस्था की अगर बात की जाए तो जो नवरात्र का ये त्यौहार होता है बहुत ही पावन माना जाता है और आज हम उसी त्यौहार के चलते, उस पावन त्यौहार के चलते इस समय हम लखनऊ, राजधानी लखनऊ के चौक इलाके के श्री बड़ी काली मंदिर में हैं और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए इस मंदिर के महंत जी हैं, मौजूद हैं श्री विवेकानंद जी। उनसे बात करते हैं मंदिर के बारे में और नवरात्र की महत्वता के बारे में। गुरु जी, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, माना जाता है कि 2500 वर्षों पुराना यह मंदिर है, क्या विशेषता है मंदिर की? सबसे पहले तो नवरात्रि की आपके जो दर्शक हैं, आपके माध्यम से मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामना। माता जी का आशीर्वाद उन सभी पे बना रहे, वो अपने निजी जीवन में स्वस्थ और सुखी रहे। मंदिर, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ये सर्वविदित है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। मान्यताओं के अनुसार ये 2500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि हमारी जो परंपरा में, हम चूँकि दसनामी सन्यासी परंपरा में गिरिनामा परंपरा के का स्थान है, तो भगवान शंकराचार्य भी स्वयं यहाँ आकर के उपासना किए हैं और स्वयं जो है यहाँ पे आकर के देवी का उन्होंने जो है आराधना किया है। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि के जो दिन होता है उसमें देवी की उपासना के लिए ये विशेष है और वैदिक मंत्रों के साथ में दुर्गा सप्तशती के माध्यम से जो देवी को प्रसन्न करने के लिए उनके जो भक्त है वो विशेष अनुष्ठान करते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई उपवास रखता है। सबका एक ही ध्येय होता है कि उनके मन में जो भी कामना है वो देवी जी को प्रसन्न करके अपने कामना की पूर्ति कर सके। तो आज से जो है वो शारदीय नवरात्रा जो है पूरे भारतवर्ष में जो है वो आज प्रथम तिथि है, तो मंदिर में भी आज सुबह से ही भक्तों का आना लगा हुआ है, जिनकी भी साल भर में जो मनोकामना है वो आज यहाँ आकर के दर्शन माता जी का कर रहे हैं। गुरु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली हुआ, होली हुआ, भारत में हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार माना जाता है, उसमें एक शारदीय नवरात्र यानी नवरात्र दो बार आता है साल भर में, तो जो शारदीय नवरात्र है इसको लेकर के यहाँ पर मेले का भी बड़ा आयोजन किया जाता है, काफ़ी व्यवस्थाएँ रहती हैं, तो अब की बार मेले का आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं? मंदिर के संबंधित जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्था के संबंध में जो मंदिर प्रशासन है, मंदिर प्रशासन और सामान्य जो पुलिस प्रशासन है, उन दोनों ने ही बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के लिए यहाँ के जो श्रद्धालु भक्त हैं वो उन्होंने जो है एक अस्थाई समिति का निर्माण किया है, जिससे कि नवरात्रि में जितने भी प्रकार का विषय है उनका वो संचालन जो है एक अच्छे तरीके से कर सके। और दूसरा, मंदिर के नीचे जो आप मेला देख रहे हैं, जो ये बहुत प्राचीन ही मेला है, तो उसके देख रेख के लिए जो है पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में, मुझे लगता है कि पुलिस बलों की उन्होंने नियुक्ति करी है। समय समय पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ आकर के उसका निरीक्षण करते रहते हैं और हमारे मंदिर की ओर से भी बहुत सारे जो भक्त हैं उनकी भी एक टोली बनाई गई है, उनको एक पहचान पत्र दिया गया है। उन लोगों को इस बात के लिए नियुक्त किया गया है कि बाहर मंदिर के नीचे जितनी भी प्रकार की जो समस्याएं हों उनका सुगमतापूर्वक किस प्रकार से समाधान किया जा सके, जिससे लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भावना बढ़ सके। ये जो तिथि चल रही है, ये जो माता जी का जो ये समय चल रहा है, 9 दिन बहुत विशेष है, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत विशेष है। तो आपके माध्यम से भी आने वाले भक्तों से मैं भी यही निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वो मेला प्रशासन के हों, पुलिस प्रशासन के हों या सामान्य भक्त जो भी आते हैं, तो ये हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम ऐसी उपासना करें जिस उपासना से माता जी प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सद्भाव, प्रेम आपस में बना रहे, ऐसे प्रकार का व्यवहार हमें दूसरों से करना चाहिए।
तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे मंदिर के कालीबाड़ी मंदिर के महंत श्री विवेकानंद गिरी जी, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मेले में प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिस गठन के तहत यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, मंदिर समिति के जो लोग हैं, वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे। यानी जिनको दर्शन करना है उनको दर्शन करने के लिए भी कोई असुविधा ना हो, इसके लिए एक नई कार्यकारिणी की भी गठन किया गया है। तो ऐसे में मेले में यहाँ भीड़ बढ़ने की भी आशंका, उसको लेकर के प्रशासन भी लगातार सख्त है। फिलहाल जिस तरीके से 9 दिन शारदीय नवरात्र का महापर्व चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भारी भीड़ होने की संभावना है। वहीं मंदिर के पुजारी हेम तिवारी ने बड़ी काली मंदिर रहस्य के बारे में भी बताया। नवरात्र का पावन माह चल रहा है, पावन पर्व चल रहा है, और यहाँ पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली मंदिर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भीड़ भक्तों की दिखाई देगी। यहाँ पर अपने मन में कुछ कोई ना कोई मुरादे लेकर के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, और ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि 2500 वर्ष पुराना यह मंदिर है, और इस मंदिर की हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देख करके अपने घर में बैठ के ही दर्शन वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि जिस जगह हम आपको लेकर के आए हैं यहाँ बहुत ही दुर्लभता से दर्शन हो पाता है, क्योंकि यह जो मंदिर है बहुत ही सिद्ध मंदिर माना गया है, और राजधानी लखनऊ में देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और हम चलेंगे, एक बार बात करेंगे यहाँ पर मंदिर के कुछ पुजारी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि मंदिर के बारे में क्या विशेषता है। जी, आप इस मंदिर में हैं और मंदिर के बारे में क्या विशेषता है, जो हमारे भक्त हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनके बारे में क्या? ये मंदिर 2500 साल पुराना मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित हुई है, और इसके नीचे पहले गोमती नदी बहती थी। अच्छा। हाँ, ये शंकराचार्य जी का जो मठ है, पहले यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर शंकराचार्य जी का एक मंदिर बना रहता था, और उन्होंने जो है उस पर काली माँ की स्थापना की थी। उस समय औरंगजेब ने सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, उससे बचाते हुए बड़ी काली जी मंदिर की मूर्ति को उन्होंने कुएं में डाल दिया था। वो कुआं आज भी है, जब वो सुबह निकाला गया तो उसमें माँ दुर्गा माँ काली की जगह पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति अपने आप निकल के बाहर आई, उसी की स्थापना की गई है जो आप देख रहे हैं। विशेष रूप से जो पूजन होता है यहाँ पर, किसका मूर्ति किसकी स्थापित? विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति है, चूँकि उनके ऊपर काली माँ का साया है, इसलिए बड़ी काली जी मंदिर नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। और चूँकि यहाँ पर बहुत से भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना जो भी मांगते हैं पूरी होती है। एक भक्त ने गर्दन काटा था, उस पर शेर पर माता रानी आई थी, और चोले के ऊपर हलवा लगाकर और उन्होंने उस पर चिपका दिया था, जिससे उसकी गर्दन फिर आ गई थी। यहाँ पर जवान चढ़ाने का भी संकिता माता में हमारे यहाँ वो है प्रावधान, लेकिन अब क्योंकि समय बदल गया है तो उन्होंने जवान की जगह पर नारियल का गोला, उसकी बलि की यहाँ पर पूजा होती है। लोग नारियल चढ़ाते हैं, भेंटे चढ़ाते हैं, और वही यहाँ पर प्रचलित है। और जो भी मन्नत लोग मुंडन कराते हैं, बहुतों कुल देवियाँ हैं यहाँ पर, खोखा माता हैं जहाँ पे पढ़ाई के लिए बहुत प्रचलित है, और बहुत से मूर्तियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जो मन्नत अपने मन में मान कर यहाँ सच्चे मन से जो कोई दर्शन करने आता है और मनोकामना मांगता है, उसकी पूर्ण जरूर से जरूर होता है, यही यहाँ की सबसे विशेषता है। तो ये बड़ी विशेषता के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि माता जी का ऐसा मंदिर है, यहाँ पर लोगों ने अपना किसी भक्त ने गर्दन भी काटी थी, उसके बाद माता जी कहीं ना कहीं प्रकट हुई, उसके बाद फिर से उनका गर्दन जुड़ गया। तो एक बड़ी विशेषता है इस मंदिर की। 9 दिन बड़ा भीड़ होने वाला है, शासन प्रशासन को लेकर के क्या व्यवस्थाएँ? शासन प्रशासन की, हमारे जिस दिन नवरात्र का परेवा होता है उसके पहले अमावस को सारा शासन प्रशासन यहाँ पर राउंड करता है, सारे पुलिस डिपार्टमेंट हमारे यहाँ राउंड करते हैं, सब पूरी व्यवस्था देखते हैं, और उसी तरीके से उसी प्रकार से सभी हमारे जो युवा वर्ग के लड़के हैं उन सबको कार्य डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो लोग यहाँ पर कार्य देखते हैं। तो ये मंदिर के ही पुजारी हैं, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि यहाँ पर मंदिर में किस तरीके से माता जी का भव्य पूजन पाठ का आयोजन होता है। यहाँ कुछ भक्त लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं, पूछते हैं कि माता जी के दरबार में वो दर्शन करने के लिए आए हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। देखिए, अंकल जी भी आए हैं, मन में कुछ ना कुछ मुराद जरूर होगी। अंकल जी, जय माता दी। जय माता दी। तो आप बहुत साल से यहाँ पर आ रहे हैं? बहुत साल से आ रहे हैं। क्या मान्यता लगता है कि मानता पूरी होती माता? बहुत मान्यता पूरी हो जाती है। देखिए, और कुछ युवा लोग भी हैं, आपको लगता है कि पूजन पाठ युवा छोड़े नहीं है? युवा भी हमारे साथ है। देखिए, जय माता दी। जय माता दी। कब से आ रहे हैं यहाँ? एक दो साल हो गए। क्या क्या मन में क्या आस्था लेके आए? बस अच्छे से एग्जाम जाए और जिंदगी अच्छी चले बस। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये भक्त पहुंच रहे हैं और लगातार इस चीज़ को ये बता रहे हैं कि उनके मन में क्या आस्था है, क्या विश्वास है। कोई अपनी परीक्षा को लेकर के आ रहा है, कोई अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के आ रहा है, और हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ रहे हैं। जरा आपसे भी जानते हैं मंदिर की विशेषता, और आप यहाँ पर कब से जुड़े हो?
मैं तो यहाँ आज पहली बार आया हूँ, और जबकि मैं इतने सालों से लखनऊ में रह रहा हूँ आया पहली बार हूँ, लेकिन इतना दिव्य मंदिर देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया और यहाँ की व्यवस्था देख के भी मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो मन में कुछ ऐसी मुराद होगी जिस मुराद को लेकर जरूर? कुछ नहीं, सब माता रानी की कृपा है, कोई मुराद नहीं, बस दर्शन करने आया। सर ये बात तो सही है क्योंकि मन की मुराद तो सीधे माँ जानी जाती है। और मैं एक बार फिर से कैमरामैन को कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं लाइव, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो हमारे टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हो कि लक्ष्मी नारायण साक्षात विराजमान है यहाँ पर, और बड़ी काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और माताएं बहनें यहाँ पर लगातार दर्शन कर रहे हैं, और लगातार वो तांता भी लगा हुआ आप देख रहे होंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से शारदीय नवरात्र 9 दिन बिल्कुल माता के रंग में पूरी तरीके से रंग जाएगा। देखिए यहाँ भक्त हैं, कुछ जयकारे की आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पर, ना कोई जय माता दी कहना, मैं देखता हूँ एक बार फिर से कोई जय माता दी बोलने वाला। बहन जय माता दी। जय माता दी। कुछ आस मन में विश्वास, कुछ माता जी अपनी कृपा बनाए रखें बस। तो कुछ अपने मन में आप लेकर के आए होंगे श्रद्धा कि आज हम यहाँ पे ये चुनरी में गांठ लगा के जाएं? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है, ये भक्त हैं वो आए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए और दर्शन कर रहे हैं, दर्शन के बाद वो अपनी मन की जो मनोती होगी, जो मन की मुराद होगी वो मानेंगे। फिलहाल ये लगातार 9 दिन तक अब यहाँ पर माता का दरबार यहाँ पर लगा रहेगा और इस तरीके से भक्तों का आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। मठ श्री बड़ी काली जी मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, और हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए जो भी भक्त आते हैं उनकी माँ सारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस मंदिर में क्यों आएँ, इस मंदिर में माँ के दर्शन क्यों करें। इस मंदिर में आने से आपके सारे कष्ट विनाश हो जाते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई शारीरिक कष्ट है, कोई विपदा है, कोई ऊपरी बाधा है, वो भी माँ यहाँ पर नष्ट करती है। उसकी विधि विधान से पूजन होता है। जब भी आप यहाँ पर कोई मनोकामना लेकर के आएँ तो यहाँ पर नारियल का प्रसाद मिलता है, नारियल जरूर लेकर के आएँ माता के साथ, और जो चुनरी मिलती है उसको माता के त्रिशूल पे बांधें, और उस त्रिशूल पे बांधने से आपकी मनोकामना माँ पूर्ण करेगी, और उसको पूर्ण होने के बाद जब भी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए चुनरी आपको खोल देनी है, और खोलने के बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को पूरा करके जो भी आपने मन्नत मांगी है वो आपको देवी जी को प्रदान करनी पड़ेगी। और यहाँ पर सबसे एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरह की आपको कष्ट है तो आप यहाँ पर शनिवार और मंगलवार के दिन उतारा होता है, जिसमें नींबू लौंग और कपूर ला कर के आप अपने ऊपर से उतारा करा कर अपने विभिन्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी अगर आपने इस उपाय को अपनाया। जय माता दी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।